स्वाति नक्षत्र में ओस की बूंदे सीप पर पड़े तो मोती बन जाती है। इस पुरानी कहावत से आशय यही है कि पूरी योजना और युक्ति के साथ कार्य किया जाए तो किस्मत चमक जाती है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में मोती की खेती का सफल प्रयोग कर एक नव युवक ने नई उम्मीदें जगा दी। पारंपरिक कृषि के समानांतर यह नया प्रयोग इस पूरे क्षेत्र में विकास के नए आयाम गढ़ सकता है। बनारस मंडल के चंदौली जिले में मोहरा प्रकाशपुर गांव है, जहां शिवम यादव ने मोती की खेती का काम शुरू किया है। पूरे विद्यंश क्षेत्र में मोती उत्पादन का यह पहला कारोबारी प्रयास है। शिवम की सफलता को देख अब इलाके के कई लोग उनसे प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक के बाद शिवम ने नौकरी या पारंपरिक कृषि की बजाय कुछ नया करने की ठानी। उन्हें पता चला कि भुवनेश्वर की एक संस्था सीफा मोती उत्पादन का प्रशिक्षण देती है। शिवम ने 2014 में यहां से प्रशिक्षण लेकर अपने गांव में मोती उत्पादन शुरू कर दिया। शिवम ने 40 कूड़े 35 मीटर का एक तालाब बनाया है। इसमें वे एक बार में 10,000 सीप डालते हैं। इन सीपों में 18 माह के अंदर सुंदर मोती बनकर तैयार हो जाते हैं। सीप को तालाब में डालना तो आसान है, लेकिन इससे पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया थोड़ी कठिन है। यह एक तरह की शल्य क्रिया होती है। एक एक सीप के होल में बहुत सावधानी पूर्वक 4 से 6 मीटर तक का सुराख किया जाता है। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।